गुड मॉर्निंग क्लासेट, मैं सर नीतू एंड आई एम वर्किंग एज मैथमेटिक्स टीचर इन शाह सतनामजी गर्ल्स स्कूल कारामेडा। टुडे माय टॉपिक इज थर्ड चैप्टर, ऑफ मैथमेटिक्स, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। सो लास्ट डे आई टोल्ड यू व्हाट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर मींस व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग अ सेम नंबर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो आज हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्क्वायर्स की, पेज नंबर 49 पे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। कि जो भी इवन नंबर्स होते हैं आपके पास, इवन एंड ऑड नंबर, आई होप यू रिमेंबर, इवन नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 2 एंड द ऑड नंबर्स व्हिच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो जो भी इवन नंबर्स होंगे बेटा, अगर आप उनका स्क्वायर करोगे हमेशा वो क्या आएगा, उसका आंसर भी हमेशा किस में आएगा, इवन नंबर्स में आएगा। ठीक है, और स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। जो भी ऑड नंबर होगा अगर आप उसका स्क्वायर रूट करोगे तो हमेशा वो क्या होगा, ऑड में ही उसका आंसर आएगा। थर्ड, अ नंबर एंडिंग इज 2, 3, 7, 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। जो भी नंबर है जिनके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, वो कभी भी किसी के स्क्वायर नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल 16, 68 कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता। ठीक है, 3, 7, 9, 7 लास्ट में 7 है वो भी क्या होगा, किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, इफ इट इज 22, 22 किसी का स्क्वायर। तो दिस इज द फैक्ट कि अगर कोई भी नंबर है विच इज एंडिंग फ्रॉम देयर, दैट नंबर कांट बी स्क्वायर्स ऑफ एनी वन। ठीक है, तो अगर जब भी आपने स्क्वायर रूट बनाना है, आपने स्क्वायर्स बनाना है, आप चेक कर सकते हो कि अगर लास्ट में सेट में आपके पास 2, 3, 7, 8 नंबर है तो वो कभी किसी के स्क्वायर बनेंगे ही। ठीक है, नेक्स्ट इज अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि कोई एक ऐसा नंबर है बेटा, वैसे तो वो ऑड नंबर है मगर अगर एंड उसका 0 होता है तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल 1, 7, 0 लास्ट में कितनी है, 1, 0 है, तो ये क्या होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। आपके पास है 54,000, 0 कितनी है, 1, 2, 3 ऑड नंबर्स है तो कभी भी ये स्क्वायर किसी का नहीं बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5, 5 0 है, अगर 6, 0 होता तो हम इसको कंसीडर कर सकते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, बट अगर ये 5, 0 मतलब अगर जीरो जो है ऑड नंबर्स में है तो कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 3/1। यानी किसी भी नंबर का अगर आपने स्क्वायर बनाया है तो क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 3 होता है हर एक नंबर का, चाहे जिसका भी आप शुरुआत करना चाहें। मान लीजिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो अगर मैं इसकी बात करूं, मान लीजिए अगर आप इसको 3 को मैं कह सकती हूँ कि 3 का मल्टीपल होता है या फिर उसका एक्सीड होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 की स्क्वायर रूट में चाहेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट है आपके पास 4 का स्क्वायर कितना है, 16, 3 × 5 + यानी कि जो भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जो भी नंबर्स का आप स्क्वायर करते हो, हम उनको हमेशा क्या करते हैं, या तो वो मल्टीपल ऑफ 3 होता है या फिर उससे एक्सीड होता है। यानी कि हर एक को हम कैसे पैटर्न बना सकते हैं, 3 से हम उसका पैटर्न बना सकते हैं। फाइन, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड्स अ मल्टीपल 4/5। तो ऐसे जैसे हमने 3 का मल्टीपल निकाला था, तो ऐसे क्या होते हैं, जो स्क्वायर होते हैं वो 4 के मल्टीपल भी हो सकते हैं और उसके एक्सीड्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज 7, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। कि अगर 2 नेचुरल नंबर है और अगर जो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, जो कंटीन्यूअसली है, फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर जैसे 1 से
होगा, अगर उनके स्क्वायर का आप डिफरेंस निकालेंगे तो इज इक्वल टू देयर सम। कैसे? 2 और 3 का सम कितना होता है 5। तो अगर दो स्क्वायर नंबर का आपको डिफरेंस निकालना है और वो कंसेक्यूटिव है तो उसका आंसर कितना आएगा, उतना आएगा जितना उन दोनों का टोटल। दीस वर द सेवन प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ दी सेवन प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, इस सेवन प्रॉपर्टीज में आपने जो जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है ध्यान रखना बेटा। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि ऑड नंबर का स्क्वायर इवन का इवन होत का ऑड। अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा क्या होगा, 9 आएगा। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, वो कभी भी इवन ऑड में नहीं आएगा। और जिन भी नंबर के लास्ट में नंबर चाहे कोई भी डिजिट है आपके पास, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, अगर कोई भी नंबर है जिसके लास्ट का वर्ड, लास्ट वर्ड जो आपके लिए वंस की जो प्लेस होती है, अगर वो वंस की प्लेस आपके पास 2, 3, 7 का 8 हो, तो इसका मतलब वो कभी भी स्क्वायर नंबर कोई नहीं बनेगा। ठीक है, वो किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा। इन चीजों को ध्यान रखना क्योंकि फ्यूचर में जब आपको पता करना पड़ेगा किसका स्क्वायर है तो आपको चीजें काम आएंगी कि लास्ट डिजिट चेक कर लेते हैं। लास्ट डिजिट में अगर 2, 3, 7, 8 वर्ड्स है तो वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। और दूसरा, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है और 0 अगर ऑड नंबर से है, फॉर एग्जाम्पल 5 के बाद 3 0 है, उसके बाद बेटा कुछ ही इसका फैक्ट्स है। देखिए आपके पेज नंबर 50 पे, पेज नंबर 50 पे कुछ फैक्ट है। फर्स्ट इज पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होता है? For every natural number other than 1, there is a triplet such as, हर एक नंबर के लिए, सिर्फ 1 को छोड़ के हर एक नंबर के लिए ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है कि उसके बेस पे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या कहलाता है? तो बोलते हैं 2n स्क्वायर। ट्रिपलेट का मतलब क्या है? 3 स्क्वायर। 3 फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला आपको क्या कहता है कि 2n स्क्वायर m मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, m कैन बी 2, 1 को छोड़ दे, m कैन बी 3, m कैन बी 4, m कैन बी 5, m कैन बी 6, 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1, m कोई भी नंबर ले सकते हो, m स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इसको सॉर्ट आउट करके दिखाती हूं कि इसको हम सॉर्ट आउट कैसे करते हैं।
देखिए मैंने आपको बताया एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2m² m² - 1 and 2m² + 1, ठीक है। और उसके फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास, 2m की होल स्क्वायर को अगर मैं m² - 1 की होल स्क्वायर से प्लस करूंगी तो आंसर मेरा किसके इक्वल आएगा, m² + 1 की होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास इक्वल आएगा। तो आप इस फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप कोई भी स्क्वायर वैल्यू डाल सकते हैं, 2k, 3k, 5k, 10k, 6k, 8k, जो भी आप चाहें आप उसकी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड योर पाइथागोरस, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस, ठीक है। अब एक और है बेटा, द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एंडिंग इन 0, 1, 4, 5, 6, 9 आर शोन द बिलो। आप देखिए नेक्स्ट टेबल है पेज नंबर 51 पे, जो 1 का स्क्वायर होता है हमेशा 1 आता है, 1 और 9 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, उसके एंड में क्या होगा, 1 रहेगा। दीज आर द स्क्वायर नंबर्स, हमेशा क्या होता है देखो बेटा, 1 और 9 का स्क्वायर उसकी लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगी, 1 रहेगी, ठीक है। ये स्क्वायर बनते हैं, उसके बाद 2 और 8 उसकी लास्ट डिजिट हमेशा क्या आती है, 4 आती है। नेक्स्ट है आपके पास 3 और 7, दोनों की लास्ट डिजिट हमेशा आएगी 9। एंड पेयर इज 4 और 6, उनके पेयर की हमेशा लास्ट डिजिट कितनी आ रही है, 6। एंड 5 और 10, उनकी लास्ट डिजिट हमेशा 5 या फिर 1। ये पेयर होता है बेटा जिसमें हम कहते हैं कि अगर कोई भी एक नंबर है जिसके लास्ट में 1 या 9 है, हमेशा उसका जो स्क्वायर भी होगा वो 1 ही बनेगा, 1 या 9 ही बनेगा, 1 ही बनेगा। 2 और 8 है तो उसकी लास्ट डिजिट हमेशा 4 आएगी, 3 और 7 है तो लास्ट डिजिट हमेशा 9 आएगी, 4 और 6 है तो लास्ट डिजिट हमेशा 6 आएगी, 5 और 10 है तो लास्ट डिजिट या तो 5 आएगी या फिर 0 आएगी। तो उसके बेस पे हम लोग इस सम्स को सॉल्व आउट करते हैं। नाउ अभी आपको एक चीज और दिखानी है, आप देखिए सारे के सारे अपनी बुक में पेज नंबर 51 पे देखिए सब इंटरेस्टिंग पैटर्न्स दिए हुए हैं आपके पास। देखिए टेबल बना रखा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है। उसके बाद अगर 15 का स्क्वायर करोगे तो हम क्या करते हैं, 25 का ना बेटा, 25 में हम लोग क्या करते हैं, हम 2 को ऐड कर देते हैं, कितना बन जाएगा, 225। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, वही 2 में हमने क्या किया, 4 को ऐड कर दिया। तो आगे आगे भी इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास ये फैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी बेस पे देखिए आप 1 का स्क्वायर देखिए, 1 का स्क्वायर है 1, डबल 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 2, 1, काउंटिंग चल रही है 1, 2, 1, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ट्रिपल 1 का स्क्वायर 1, 2, 3, 2, 1, ठीक है। उसके बाद है आपके पास 4 1 का स्क्वायर 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, ओके, दिस इज कॉल्ड द काउंटिंग। अगर आपके पास 5 1 का स्क्वायर है 1, 2, 3, 4, 5, फिर से 4, 3, 2, 1, मतलब काउंटिंग चलती है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। अगर 6 का स्क्वायर है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद रिवर्स काउंटिंग, 7 का है तो आप इस तरह से अपने काउंटिंग्स के बेस पे आप अपने स्क्वायर निकाल सकते हैं। दिस इज जस्ट सम फैक्टर्स जो आपकी बुक में है, आप लोगों ने क्या करना है बेटा, इन पैटर्न्स को सिर्फ आपने एक बार रीड आउट करना है, ठीक है। अभी इसका आपने सिर्फ इसको रीड आउट करना है, जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आपके पास क्लियर हो जाएगा, फाइन। तो आज का जो लेक्चर था